बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम अपने टेस्ट में टाइम को मैनेज कैसे करें। तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो जिस तरह से हम पाक नेवी में या पाक एयरफोर्स में ले लें या पाक आर्मी में ले लें, हमारे पास क्वेश्चन जो है वो होते हैं 85 और 90 तक क्वेश्चन होते हैं। हमें टाइम दिया जाता है 30 से 35 मिनट। तो इस मुकर्रा वक्त में हमने अपने क्वेश्चन को किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से सॉल्व करना है कि हम पूरे के पूरे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर पाएं, किस तरह से हमने टाइम को मैनेज करना है, तो इस आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलें, अब जो है वो मज़ीद टाइम वेस्ट नहीं करते। तो इसमें जो है वो मैं आपको 2-3 टिप्स बताऊँगा, तो आपने इनको फॉलो करना है। इंशाल्लाह आप कभी भी इंटेलिजेंस टेस्ट में जो है वो फेल नहीं हो सकेंगे। तो इसमें यह है कि सबसे पहली टिप्स यह है कि आपने मार्कर का यूज नहीं करना। तो वहां पे आप जब अप्लाई करते हैं तो आपके रजिस्ट्रेशन स्लिप पे लिख देते हैं वो कि आपने मार्कर लेकर आनी है वहां पे, अगर आपने रफ वर्क करना है। तो वहां पे एक छोटा सा बोर्ड बना भी होता है, व्हाइट बोर्ड जो है वो बना होता है, तो आप वहां पे रफ अमल भी कर सकते हैं, वो आपको इसकी सहूलत देते हैं। तो ये आपने काम बिल्कुल नहीं करना, मार्कर नहीं लेकर जानी, क्योंकि मार्कर लेकर जाने का जो है वो नुकसान ये होता है कि आप जो है वो मार्कर यूज करेंगे तो आपका 1 मिनट तो आसानी से निकल जाएगा, जबकि हमारे पास एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 सेकंड होते हैं। तो अगर आप मार्कर का यूज करेंगे तो 2 क्वेश्चन का और भी टाइम जो है वो वेस्ट कर चुके होंगे आप। तो इसका जो है वो सोल्यूशन ये है कि जो भी क्वेश्चन जो है वो मार्कर वाला है उसको आप जो है वो तुक्के पे लगाएं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आगे नेक्स्ट ऐसे होते हैं कि वो इजी होते हैं और हम जो है वो मुश्किल क्वेश्चन में फंसे रहते हैं, तो इसलिए हम जो है वो आसान क्वेश्चन तक नहीं पहुँच पाते और हमारा जो है वो टेस्ट फेल हो जाता है, और वो भी जिसमें हम फंसे होते हैं वो भी नहीं निकल पाता, वो भी क्वेश्चन नहीं निकल पाता और नेक्स्ट वाले भी हमारे रह जाते हैं। तो इसका जो है वो इजी और सॉल्यूशन यही है कि आप उस पे तुक्का लगाएं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं और मार्कर का बिल्कुल यूज नहीं करें। तो ये एक नंबर टिप हो गई। और दूसरी नंबर टिप ये है कि आपने ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है इंटेलिजेंस क्वेश्चन की, वर्बल और नॉन वर्बल क्वेश्चन की। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके दिमाग में आएंगे, और जितनी ज़्यादा अगर आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होगी तो आप क्वेश्चन को देखते ही पहचान जाएंगे कि ये किस नियत का है, ये डेज वाला क्वेश्चन है, या बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं क्लाक वाइज एंटी क्लाक वाइज, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो कि मैं आपको आइंदा वीडियो में जो है वो डिस्कस भी करूंगा और अच्छे तरीके से समझाऊंगा भी कि इनको किस तरह से, और टिप्स भी बताऊंगा कि किस तरह से आसानी से इजीली इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इनकी, मेरा कहने का मतलब ये है कि इनकी ज़्यादा से ज़्यादा आपने प्रैक्टिस करनी है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए ये टेस्ट बिल्कुल ईजी हो जाएगा। तो आपने अगर 8-10 एक्सरसाइज भी कर लेते हैं प्रैक्टिस, तो आपके लिए ये इजी हो जाता है इसको इंटेलिजेंस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो आप फिर 85 क्वेश्चन भी होंगे तो आप आधे घंटे में इजीली कर जाएंगे, क्योंकि आपके दिमाग पे चढ़े हुए होंगे वो क्वेश्चन। तो ये हमारे पास 2 नंबर टिप हो गई कि आपने प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है, और पहली टिप थी हमारे पास कि हमने मार्कर नहीं लेकर जानी वहां पे टेस्ट में। तो तीसरे नंबर पर हमारे पास एक टिप आती है, वो ये है कि कुछ क्वेश्चन होते हैं कि वो बड़ी बड़ी लिखाइयों वाले होते हैं, बड़ी 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 हेडिंग्स दी होती हैं, बड़ी बड़ी लिखाइयाँ होती हैं उनकी, तो उनमें भी ज़्यादा आपने टाइम वेस्ट नहीं करना। टाइम वेस्टेज का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि एक क्वेश्चन के आपके पास होंगे सिर्फ और सिर्फ आपने बस रखने हैं 15 से 20 सेकेंड रखने हैं, 25 सेकेंड वैसे होते हैं, तो आपने अंदाज़ा यही लगाना है कि 15 से 20 सेकेंड में हमने एक क्वेश्चन करना है। तो बड़ी बड़ी लिखाइयों वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसा कि बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जो आपको नहीं आ रहे होते, आपकी समझ में नहीं आ रहे होते, तो अगर 15 सेकंड गुजर जाते हैं फिर भी कुछ भी समझ नहीं आया होता उस क्वेश्चन के बारे में, तो आप जो है वो तुक्का लगा के नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं, क्योंकि वो जो है अगर आप उसी में फंसे रहेंगे वही बात फिर आ गई कि अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के, ईजी क्वेश्चन के आप जो है वो टाइम जो है वो वेस्ट कर देंगे। तो इसको, इनको आप अगर स्किप कर सकते हैं तो स्किप कर दें, मेरा तो मशवरा यही है कि आप तुक्का लगा दें, क्योंकि स्किप जब कर देंगे तो आगे जाएंगे तो फिर जो है वो पिछले क्वेश्चन को सॉल्व करने का मौका नहीं मिलता। हम जब आखिरी क्वेश्चन पे पहुंच चुके होते हैं तो हमारे पास टाइम ही नहीं बचता कि जिन क्वेश्चन को स्किप कर चुके होते हैं उनको जो है वो आप सॉल्व कर लें, तो इसलिए जो है वहाँ पर ही तुक्का लगा दें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे।
तो ये जो है वो दो तीन टिप्स थी, तो अगर आप इनको फॉलो करते हैं और मैं भी इनको फॉलो करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहीं भी और किसी भी जगह इंटेलिजेंस टेस्ट में फेल नहीं हुआ। तो अगर आप इन दो तीन टिप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपका जो है वो इंटेलिजेंस टेस्ट में कभी भी फेल नहीं होंगे और आपका टाइम मैनेजमेंट भी अच्छे तरीके से हो जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।